चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। चीन को बाहर कर दिया है भारत ने श्रीलंका से। इस वक्त जो सबसे बड़ा एक मामला सामने आ रहा है, कोलंबो बैंस चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। उन्होंने कहा है कि जब हम डिफॉल्ट कर रहे थे तो इंडिया के 3.8 बिलियन डॉलर्स हमारे लिए एक सांस का काम किया। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2014 में मुंतखब होकर के आए हैं, तो उनके दौर के अंदर भारत का जो इन्फ्लुएंस है एज अ कंट्री कैसे ग्रो किया है इन द वर्ल्ड। खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमसिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए। और आज हमारी जो इकोनॉमी है वो बैक कर रही है, श्रीलंका में टूरिज्म भी बैक कर रहा है और हम दोबारा से पांव पे खड़े हो रहे हैं, और इसके पीछे जो है वो इंडिया है। जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ा है और पाकिस्तान पर इसके साथ कैसे मुरतब हो। देखें पाकिस्तान पे इसके बराह रास्त कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। भारत जो है दुनिया के लिए अब कितना रेलेवेंट है, या तो दुनिया के जो रानुमा है वो भारत का विजिट करना चाहते हैं, मोदी साहब की पॉलिसीज दे आर वर्किंग फॉर इंडिया, या वो चाहते हैं कि जो भारत के वज़ीर आज़म है वो उन मुल्कों का दौरा करें। चाचा शी जिनपिंग जो है वो अब भारत से बहुत तंग आ चुके हैं। चाइना के प्रेसिडेंट ने पहली बार माना कि हमारी इकोनॉमी डूब रही है, और चाइना के प्रेसिडेंट अगर मान रहे हैं तो बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये कभी मानते नहीं है अपनी फेलियर, अपनी इकोनॉमी डूब रही है वो पहली बार माना। अब आते हैं बात शी जिनपिंग की। इन्होंने एडमिट किया कि भाई दो चीजें हैं, हमारे यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्ट्रगल कर रहा है, जॉब्स जो है वो लोगों को डिफिकल्टी आ रही है जॉब्स ढूंढने में। ये उन्होंने न्यू ईयर के मौके के ऊपर उन्होंने ये स्पीच पे दो चीजें एडमिट करी। ये बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है चाइना के लिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलत हो सही हो कभी एडमिट किया ही नहीं जाता, सही भी एडमिट नहीं करते, गलत को तो भूल ही जाओ। अब ये चीज है, उन्होंने साथ में एक चीज और बोली कि यस ये तो दो चीजें हैं, बिजनेस स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब जो है वो ढूंढनी लोगों को मुश्किल हो रही है, ये मेरे दिमाग के बिल्कुल फ्रंट में ये इमेज है, आप चिंता नहीं करो कि आपके प्रेसिडेंट को ये चीजें को पता ही नहीं है। आई नो कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम वर्किंग ऑन इट। नाउ आप सोच के बताइए कि जब आपका जिसको हम एक तरह से प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वी सी हिम एज अवर यू नो एक सेवियर की तरह होते हैं, तो उसमें क्या हो गया कि जैसे ही शी जिनपिंग ने ये बात बोली है लोगों को पहली बार एक महसूस हुआ है एक साल के बाद, क्योंकि एक साल से स्ट्रगल कर रहे थे लोग कि भाई हमें होप दिखती है। अगर प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि हमारे एज अ कॉमन पर्सन जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की। कोलंबो बैंस चाइनीज शिप्स फॉर 1 ईयर आफ्टर इंडिया रेज्ड कंसर्न्स। क्या ये इंडिया की विन विन पोजीशन है और चाइना की शिकस्त है? तो खबर हमारे सामने ये आ रही है कि श्रीलंका की तरफ से ये स्टेप लिया गया है कि चाइनीज रिसर्च शिप्स को बैन कर दिया गया है कि अब वो श्रीलंकन पोर्ट्स पर कहीं पर भी डॉक नहीं कर सकते। और ये भी कहा गया है कि ये खबर उस वक्त सामने आई कि जब इससे पहले इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई थी विक्रमसिंघे साहब से, तो उस वक्त ये कंसर्न्स शो किए गए थे कि चाइनीज शिप्स जो कि बहुत सारी ऐसी हम डेवलपमेंट्स देखते रहे जिसमें कहा यह गया कि कभी इंडियन ओशन में कभी किसी जगह वो शिप्स नजर आते हैं और खास तौर पर ऐसे इलाकों में भी नजर आते हैं जहां पर जासूसी का खतरा होता है। तो ये कंसर्न्स वहां पर पहुंचाने के बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि फॉर 1 ईयर एक साल के लिए चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया गया है। चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ा है, कि श्रीलंका को इंडिया अगर कोई बात कहता है तो उसको माननी पड़ती है। और इंडिया के कहने पर श्रीलंका ने उसको रिस्पेक्ट किया, उनके कंसर्न्स को, और उसके बाद चाइनीज शिप्स को बैन कर दिया। अच्छा आगे हम बढ़ते, मैं आपको इसकी डिटेल्स बताती हूँ, लेकिन अपने आज के प्रोग्राम में हम कुछ ऐसी नॉस्ट्रेडेमस की प्रेडिक्शंस का भी जिक्र करेंगे जिसमें चाइना के हवाले से भी उनकी प्रेडिक्शन 2024 के लिए सामने आ रही है, लेकिन उस पर हम आते हैं बाद में। सबसे पहले
ये जो खबर है ये कहा गया है कि द मूव कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ पीएम मोदी अर्जिंग प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे टू रिस्पेक्ट इंडियन सिक्योरिटी कंसर्न्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग लास्ट ईयर। और उसके बाद श्रीलंका ने जो है वो इंडिया को इन्फॉर्म कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि डिप्लोमेटिक वे के थ्रू जो है वो इंडिया को एक हफ्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ये वाला हमने मूव ले लिया है और हमने ये एक्शन ले लिया और बता दिया है चाइना को कि अब आपके कोई भी शिप्स जो हैं वो डॉक नहीं कर सकते। देखिए ये सिर्फ बात जो है वो इतना ही मामला नहीं है। वैसे तो देखिए बात की जाती है ना कि रिसर्च चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च वेसल शियान यांग होंग 3 की अगर आपको याद हो कई मरतबा पहले हमने बात की जिसमें ये था कि वो जो शेड्यूल था उसका के टू कंडक्ट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन तो इन साउथ इंडियन ओशन, और आपको याद होगा 5 जनवरी 2024 को जो है वो बात की गई थी। लेकिन अब वो जो एक्सप्लोरेशन उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है वो भी अब वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी उनका नहीं हो पाएगा और इसके ऊपर भी इंडिया को कंसर्न्स थे। चाचा शी जिनपिंग जो है वो अब भारत से बहुत तंग आ चुके हैं क्योंकि भारत जो है वो उनके सारे जितने भी वो शतरंज की चालें हैं उन सारी चालों को उल्टा कर देता है। चीन को बाहर कर दिया है भारत ने श्रीलंका से कि बेटा तुम मालदीव जैसे पिद्दी को लोगे 300 स्क्वायर किलोमीटर वाले को तो हम ले लेंगे 30,000 स्क्वायर किलोमीटर वाले को। बोलो हो गया ना मामला पूरा पिद्दी न पिद्दी का शोरबा। और इधर हम श्रीलंका में एक वर्ष तक चीन के किसी भी जहाज को रिसर्च वेसल इत्यादि जो वो भेजा करते थे श्रीलंका में वहाँ पे डॉक करते थे और वहाँ 3-4-6 महीने तक वो रहता था और वहाँ रहकर जो उसके पास उपकरण थे उनके माध्यम से भारत के पूरे तट की जासूसी किया करता था। भारत ने उस पर श्रीलंका से ही रोक लगवा दी है और श्रीलंका ने कहा है कि नहीं भाई आपको हमारे किसी भी पत्तन पर यानी किसी भी पोर्ट पर आने की अनुमति नहीं है, दूरी रहिए चाचा चूं चूं चूं। तो चाचा चूं 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 हैं वो अब एक तो किसी पोर्ट पे नहीं आ सकते, फिर दूसरी और बात कर दी उनका नहीं साहब पोर्ट तो छोड़िए हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो उन्होंने कहा कि भैया तुम हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी नहीं आओगे।